दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि नागमणि का संबंध नाग और नागिन से होता है। तो आइए आज घटना को शुरू करने से पहले नाग नागिन के बारे में ही जान लेते हैं, जिनके प्रेम की अक्सर मिसालें तक दी जाती हैं। दोस्तों, भारतीय लोक कथाओं में इच्छाधारी नाग या नागिन पौराणिक आकार बदलने वाले जीव हैं। ये शिव के महान भक्त हैं। पुराने ग्रंथों के मुताबिक इच्छाधारी नाग नागिन वो होते हैं जो इंसानी रूप में धरती पर घूमते हैं। हालांकि वो किसी भी वक्त सांप का रूप धर सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस तरह के इच्छाधारी सांप कोई भी रूप ले सकते हैं और सबके बीच सामान्य इंसानों की तरह रह सकते हैं। भारतीय सिनेमा में भी इन पर कई फिल्में बनाई गई हैं। इन फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जान गए होंगे कि आखिर नाग नागिन होते कौन है। तो अब समय जाया ना करते हुए घटना पर आते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के एक गांव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में हितेश और आरव नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते। इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती। एक बार हितेश की एक बकरी घने जंगल में चली गई, तो हितेश ने आरव से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को घर वापस ले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदल कर मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब हितेश अपनी बकरी को ढूंढते हुए इस जंगल में पहुंचा, तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय हितेश बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने इस समय अपना दम तोड़ दिया। जब हितेश ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा, तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि नाग मणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाकर देखा और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है, तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया। ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी, तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा, तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठी। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। हितेश ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता, तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता नहीं चलता। उधर हितेश बहुत खुश था, क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नाग मणि मिल चुकी थी। हितेश जब घर पहुंचा, तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और ये इच्छा जाहिर की कि जो बकरी मेरी जंगल में खो गई है, वो मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार हुआ, अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। हितेश ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को भी बदल दिया और अपने गाँव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागी नाग बबूला हो उठी, परंतु वो विवश थी, क्योंकि हितेश के पास उसकी नाग मणि जो थी, और वो तब तक हितेश को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नाग मणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और हितेश किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था, तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब हितेश ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है, तो वो तुरंत अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा,
आप क्यों रो रही हैं? लड़की के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा, मेरा नाम सुरभि है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक अन्य कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे धक्के मार कर घर से निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। हितेश को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से हितेश बहुत ज्यादा मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और हितेश के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि हितेश को पता ही नहीं चला कि कब वो स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन हितेश और सुरभि यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर सुरभि ने हितेश से पूछा, तुम्हारे गले में चमकती हुई चीज क्या है? तो हितेश ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं। जब सुरभि बोली, क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो? क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहन कर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर हितेश चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसके बदले कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर सुरभि एकदम से गुस्सा होकर बोली, हितेश, तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, परंतु मैंने तुम्हारे गले का एक छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर हितेश ने न चाहते हुए भी वो आभूषण सुरभि को दे दिया और सुरभि को देते हुए ये बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से सुरभि, इसे गुमा मत देना। दोस्तों, सुरभि के हाथ में तो जैसे ही वो नागमणि आई, सुरभि का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में वो एक सुंदर स्त्री से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया। उसने कई बार हितेश को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का बदला पूरा हो चुका था। दोस्तों, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों, तब से ये नागिन इसी गांव में अपने नाग के लिए 500 सालों से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहां कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 सालों से नागिन इस मंदिर में रह रही है। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए। आपको आज की ये घटना कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।